हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। आप सभी बच्चों को मेरे यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। जी आज मैं फिर एक बार क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकर उपस्थित हूं। तो आप लोग जल्दी से कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाएं। मैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का आज दूसरा क्लास लेने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि हेलो एल्केन क्या होता है, तो वो मैं बताया था कि हेलो एल्केन जो होता है हैलोजन और एल्केन के डेरिवेटिव्स होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। उसके बाद वो इंट्रोडक्शन था, उसके बाद मैंने इसका नोमेनक्लेचर बताया था। फिर एक बार आज बता देता हूँ कि इसका नोमेनक्लेचर जो होती है वह हैलोजन को हैलो में चेंज कर देते हैं। जैसे क्लोरीन है जुड़ा हुआ तो उसको क्लोरो में बदल देते हैं, ब्रोमीन है तो ब्रोमो में बदल देते हैं, आयोडीन है तो आयोडो में बदल देते हैं। उसके बाद उस कंपाउंड में जितने ही कार्बन की संख्या होती है उसके संगत के एल्केन को लिख देते हैं, इस प्रकार उसका नामकरण किया जाता है। तो आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन। आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन यानी हैलो एल्केन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है वो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो समझिए कि हैलो एल्केन में हैलोजन परमाणु के उपस्थिति के आधार पर हैलो एल्केन को तीन वर्गों में बांटा गया है। तो हैलो एल्केन को तीन वर्गों में कौन कौन वर्ग बांटा गया है? सबसे पहला है मोनो हैलोजन कंपाउंड, और दूसरा है डाई हैलोजन कंपाउंड, और तीसरा है पॉली हैलोजन कंपाउंड। ये तीन वर्गों में जो है इसको बांटा गया है हैलो एल्केन्स जो कंपाउंड है उसको। तो चलिए हम एक एक करके स्टडी करेंगे, एक एक करके उदाहरण देंगे सबका और अच्छे से समझाएंगे। मेरा चैलेंज है कि आपको हम जीरो से हीरो बना देंगे। बस आप लोग जो है से मेरे वीडियो को देखें, समझें, समझने की कोशिश करें, कॉपी पर लिखें। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताएं कि सर ये चीज़ मैं समझ में नहीं आया, इसको फिर से समझाइए, मैं फिर बताऊंगा। कुछ शॉर्ट वीडियो भी डालूंगा। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहले आप लोग ये लिखेंगे कि हैलो एल्केन को, हैलो एल्केन में हैलोजन तत्व के उपस्थिति के आधार पर हैलो एल्केन को तीन वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है मोनो हैलोजन कंपाउंड, दूसरा है डाई हैलोजन कंपाउंड, तीसरा है पॉली हैलोजन कंपाउंड। चलिए और अब हम क्या करते हैं कि एक एक करके परिभाषा बताते हैं, उसका उदाहरण बताएंगे और उसका नोमेनक्लेचर जो पढ़ाए हैं पिछला वीडियो में उसके आधार पर आपसे नाम करवाएंगे। वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं मोनो हैलोजन कंपाउंड। मोनो का मतलब एक होता है, केमिस्ट्री की भाषा में मोनो का मतलब क्या होता है? एक होता है। डाई का मतलब दो होता है, ट्राई का मतलब तीन होता है। ये हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री सबसे पहला हम बेसिक में ही बता चुके हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा लिखेंगे, हम लिख देते हैं। चलिए इसका परिभाषा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जब यौगिक में एक हैलोजन तत्व उपस्थित होता है उसे मोनो हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। जब यौगिक में कितना हैलोजन हो? एक हैलोजन हो तो उसे क्या कहेंगे? मोनो हैलोजन कंपाउंड। इसे देखिए, आप जानते हैं हैलोजन को एक से सूचित करते हैं। एक्स के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है जी? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, यही आता है।
जब यौगिक में या तो एगो क्लोरीन होगा, ये वो फ्लोरीन होगा, या एगो ब्रोमीन या एगो आयोडीन होगा, तो उसको मोनो हैलोजन कंपाउंड के अंतर्गत रखेंगे, इसे RX से सूचित करते हैं। चलिए उदाहरण हम देते हैं, उदाहरण देखेंगे CH3 CH, क्यों ना क्लोरीन है, CH2 CH2 Br, एक को ना ब्रोमीन है CH2 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 Al, एक क्यों ना आयोडीन है, देख रहे हैं ना CH3 CH2 CH, ऊपर दे CL CH3, पूरे कंपाउंड में देखिए एक ही क्लोरीन है ना, CH3 CH, ऊपर दे दिए BrCH3, पूरे कंपाउंड में एक ही ब्रोमीन है ना, एक ही हैलोजन है ना, तो ये सब जो है वह मोनो हैलोजन कंपाउंड के उदाहरण है। मैं इसका नोमेनक्लेचर पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, आप लोग इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ऐसे मैं बताऊंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी पर उतारिए, इसका नामकरण कीजिए, अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि सर इसका नाम मुझे समझ में नहीं आया, मैं एक एक कॉमा बिंदु फुल स्टॉप सभी बताऊंगा। तो चलिए इसका नामकरण कीजिए, याद कीजिए पिछले का वीडियो मैंने बताया था कि हैलोजन के नामकरण करने के लिए उसके यौगिक में उपस्थित हैलोजन को हैलो में बदल देना है, कति बदल देना है, हैलो में, यानी क्लोरीन है तो क्लोरो में, ब्रोमीन है तो क्या बदल देना है इसको, ब्रोमो में, आयोडीन है तो आयोडो में, फ्लोरीन है फ्लोरो में बदल देना है, और जितने कार्बन होंगे उसका एल्केन को लिख देना है, एक कार्बन है मीथेन, दो कार्बन इथेन, सारा मैं पिछला वीडियो बता चुका हूँ, आप लोग देखिए, अगर वो वीडियो देखिएगा तब ये वीडियो समझ में आएगी, ये वीडियो देखिएगा उसके बाद फिर अगला वीडियो समझ में आएगी, इसीलिए आप लोग एक एक करके मेरा वीडियो देखिए, कहीं भी प्रॉब्लम हो मैं BK सिंह आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। तो चलिए इसका नामकरण करते हैं, इसमें हैलोजन क्या है, क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन को कौन सी बदल देना है, क्लोरो में, क्या, क्लोरो, चलिए क्लोरो में बदल दिए। उसके बाद इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, सी कितने है बाबू साहेब, एक के गो है, ये तो क्लोरीन है, तो एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन, इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन, आई बात समझ में, आ ही गया होगा। चलिए अब इसका नाम कीजिए, इसमें हैलोजन क्या जुटा हुआ है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को पति में बदल देना है, ब्रोमो में, BrOMO, ब्रोमो में। उसके बाद इसमें कितने कम कार्बन कितने हैं, दो, दो का एल्केन क्या होता है, इथेन, इसका नाम हो गया ब्रोमो इथेन। बस कितना इजी है, अगर इस संसार में मुझे लगता है कि अगर कोई इजी सब्जेक्ट है तो वह केमिस्ट्री ही है, बस आपको समझाने वाला पढ़ाने वाला बस बेहतर चाहिए। चलिए इसका नाम बताइए, इसमें हैलोजन क्या है, आयोडीन, आयोडीन का आयो, इसका आयो कौन सी बदलना है, आयोडो में, तो बदल दीजिए आयोडो। उसके बाद कितने कार्बन है, तीन, तीन का एल्केन क्या होता है, प्रोपेन होता है बाबू साहेब, प्रोपेन, बस हो गया इसका नामकरण, देखिए कितना इजी है, इसका नाम हो गया आयोडो प्रोपेन, ब्रोमो इथेन, क्लोरोमीथेन, इसका नामकरण कीजिए। इसमें हैलोजन क्या है, हैलोजन है इसमें क्लोरीन, क्लोरीन को कौन सी बदल दे, क्लोरो में, क्लोरो हो गया क्लोरो। उसके बाद क्या करना है, कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, चार का एल्केन क्या होगा, ब्यूटेन, अगर आप इसको क्लोरो ब्यूटेन कहेंगे तो आप थोड़ा इसका नाम बताइए, तो CH3 CH2 CH2 CH2, अब Cl, बस इसका नाम, एओ में तक क्लोरीन है तो क्लोरो, अब ब्यूटेन, BuTeN, चारों कार्बन है ना, तो इसका भी नाम क्लोरोब्यूटेन, इसका भी नाम क्लोरोब्यूटेन, तो आप तो असमंजस में हो गए, अरे हम भी असमंजस में हो गए, यही असमंजस को तो दूर करना है, एक दो तीन चार, कितने नंबर पर है, कितने नंबर पर है, एक नंबर पर है, यानी पहले कार्बन से है, इसीलिए इसका नाम होगा 1-chloro-butane, समझे, इसका क्या होगा, गिनती करें, एक दो तीन चार, तीन नंबर पर है ना, इधर से गिनती करेंगे तो एक दो तीन चार, कमेंट में बताइए जल्दी कि आप लोग ये तीन लिखाएगा कि दो लिखाएगा, तीन और दो में छोट कौन होता है, दो होता है, इसीलिए इसका नाम होगा 2-chloro-butane,
आई बात समझ में? इसका नामकरण कर दीजिए, इसमें तो कनू से कीजिएगा तो वही बात, तो इसका नाम होगा दो ब्रोमो, लॉन्ग चेन में तीन कार्बन, प्रोपेन। बस हो गया इसका नोमेनक्लेचर। तो ये सभी जो एग्जांपल्स हैं वह मोनो हैलोजन कंपाउंड का है। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और कोई कंपाउंड होगा हैलोजन का तो आप लोग जरूर बताएं, मैं उसका जरूर बताऊंगा, उस पर वीडियो बताऊंगा शॉर्ट बना करके, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं अब बढ़ता हूं आगे की ओर। चलिए अब दूसरा है डाई हैलोजन कंपाउंड। डाई का मतलब क्या होता है? दो होता है। तो जब वैसे यौगिक, जब यौगिक में दो हैलोजन तत्व उपस्थित होता है उसे डाई हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। जब यौगिक में कितने हैलोजन उपस्थित हो? दूगो उपस्थित हो, या तो दूगो क्लोरीन हो या दूगो ब्रोमीन हो या दोनों में से एक हो, फ्लोरीन हो, आयोडीन हो, ये चार हैलोजन में से कोई दो हो, या दोनों समान हो सकता है, दोनों असमान हो सकता है। तो इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ये देखिए CH2, इधर भी क्लोरीन जोड़ देते हैं, इधर भी क्लोरीन जोड़ देते हैं, इसको आप समेट करके लिख सकते हैं CH2Cl2, ऐसे ही समेट के लिख सकते हैं। तो इसमें दो हैलोजन है, दोनों समान है। चलिए ClBr देता हूं, Br CH2CH2Br, ICH2CH2CH2I। यहां पर देखिए ये तो समान अल्काइल मूलक है ना, तो इसका नाम तो आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। देखिए इसका नाम होगा, वन में पर है तो वन का लिखते हैं, सोचे लिख दीजिए डाई क्लोरो, डाई माने तो होता है ना जी, इसलिए डाई क्लोरो मीथेन। इस कंपाउंड का क्या नाम है? डाई क्लोरो मीथेन। अब इसका नाम देखिए, एक दो, जब दो जुटा हुआ हो भिन्न भिन्न कार्बन से तो गिनती करना में ही भलाई है, एक ब्रोमीन पहले कार्बन से, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन से, तो लिखेंगे वन और टू, एक पहला कार्बन से इसीलिए वन, एक दूसरा कार्बन से इसीलिए टू, इधर से गिनेंगे तो वन टू ना आएगा जी, तो दो ब्रोमो, दो वन टू डाई ब्रोमो, सॉरी वन टू डाई ब्रोमो। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? दो कार्बन है, तो दो कार्बन है तो क्या होगा? दो कार्बन है तो इसका हो गया इथेन, इथेन वन टू डाई ब्रोमो इथेन इसका नाम हो गया। इसका नामकरण कीजिए, इसमें दो कंपाउंड जुड़ा हुआ है, एक पहले कार्बन से जुटा हुआ आयोडीन और एक दूसरे तीसरे कार्बन से आयोडीन जुटा हुआ है, तो इसका नामकरण क्या होगा? एक है पहला से तो वन, एक है तीसरा से तो वन थ्री डाई, क्या है दूगो आयोडीन है, तो आयोडीन को कथी बदलेंगे? आयोडो में आयोडो, लॉन्ग चेन में तीन कार्बन है तो इसीलिए हो गया प्रोपेन। आगे आओगे समझ में, चलिए इसको उतारिए। मैं अब क्या करता हूं, भिन्न हैलोजन उलट के देता हूं, इसको उतारिए, जल्दी उतारिए, उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए ये डाई हैलोजन कंपाउंड में भिन्न भिन्न कंपाउंड देता हूं, CH2 इधर दे देता हूं आपको ब्रोमीन, CH2 इधर दे देता हूं आपको क्लोरीन। अब देखिए एक ही कंपाउंड में दो हैलोजन जुटा हुआ, तो डाई तो है ये है, लेकिन नाम कैसे लिखेंगे? तो डाई है, डाई तो दूगो हैलोजन है, तो डाई का हैलोजन कंपाउंड हुआ। नामकरण करेंगे, गिनती पहले कीजिए, कार्बन की गिनती किधर से करेंगे? जब दो भिन्न जुटा हुआ है तो पावरफुल जो रहेगा ओकरे तरफ से ना, तब पावरफुल देखिए सबसे अधिक पावरफुल क्लोरीन, तब क्लोरीन, और तब हो गया ब्रोमीन, और तब हो गया आयोडीन। अब देख लीजिए, अब ब्रोमीन और क्लोरीन में सबसे पावरफुल क्लोरीन, तब इधर से क्लोरीन की तरफ से ना करेंगे, अब कौन के अनुसार नामकरण करेंगे? जो पावरफुल होगा, तो पावरफुल क्लोरीन है तो ब्रोमीन को पहले लिख देता, लिख दो दू ब्रोमो वन क्लोरो, लॉन्ग चेन में दो कार्बन का एल्केन इथेन, हो गया समझ में आ गई होगी। CH3 एक तरफ दे देते हैं आयोडीन, एक तरफ दे देते हैं ब्रोमीन CH3, इसका नामकरण करना है। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन? तीन कार्बन,
तो एक दो तीन, एक दो तीन। चलिए तो हम ब्रोमीन और आयोडीन दो भिन्न मूलक है तो किसके अनुसार नामकरण करेंगे? यहां पर देख लीजिए ब्रोमीन और आयोडीन में कौन पावरफुल? ब्रोमीन। तो चलिए ब्रोमीन के अनुसार नामकरण कीजिए, तो ब्रोमीन को अंत में लिखेंगे और आयोडीन को पहले। तो क्या नंबर पर आयोडीन? दो नंबर पर, दो आयोडो। आयोडीन का काम खत्म। अब इसका अनुसार नामकरण करेंगे तो दो ब्रोमो प्रोपेन, बस हो गया ना। तो चलिए अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं और अब बताते हैं ट्राई हैलोजन कंपाउंड। इसको हम मिटा देते हैं, ट्राई हैलोजन कंपाउंड। ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन होता है। जब यौगिक में, सॉरी ट्राई नहीं होगा, अब पॉली हैलोजन कंपाउंड होगा। पॉली ट्राई तीन से अधिक, तीन से अधिक जब यौगिक हैलोजन, हैलोजन उपस्थित हो, यौगिक में हैलोजन वर्ग उपस्थित हो तो उसे पॉली हैलोजन कंपाउंड कहेंगे। लिख देते हैं इसका परिभाषा, जब यौगिक में तीन से अधिक, तीन भी हो तो कल आएगा, तीन से अधिक हैलोजन तत्व उपस्थित हो तो उसे पॉली हैलोजन यौगिक कहते हैं। तीन से अधिक, ऐसे तीन वाला ट्राई, चार वाला टेट्रा, पांच वाला पेंटा, छह वाला हेक्सा के अंतर्गत आएगा, लेकिन तीन से अधिक हो तो सबको मिलाकर के एक पॉली हैलोजन ही कहा गया। जैसे कि CH2CL CH2CL CL CL। देखिए इसमें तीन को है, तीन हो या तीन से अधिक हो, चार वाला भी हो जाएगा, जैसे CL CH2 CH BR भिन्न भी हो रहेगा, ऐसा ना कि I CH2 F, ये तीन को, इसमें चार को जुटा हुआ है, समझे? या जो है CL 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 CL, इसमें भी चार जुटा हुआ है, CL CL CL, इसमें भी चार जुटा हुआ है। तीन से अधिक जो भी यौगिक होंगे जिसमें तीन से अधिक हैलोजन तत्व उपस्थित हो किसी भी यौगिक में, तो वह पॉली हैलोजन कंपाउंड कहलाता है। तो चलिए इसका नामकरण करते हैं, तो ऐसे में इसका कार्बन की गिनती करते हैं। तो कार्बन की गिनती कीजिए, एक दो तीन, इधर से भी गिनती कीजिए, एक कार्बन, एक क्लोरीन जो है, पहला क्लोरीन पहला कार्बन से, दूसरा कार्बन से, तीसरा कार्बन से, तीनों पर है। इसका नामकरण करेंगे तो एक दो तीन, तीनों क्लोरीन है ना, तो ट्राई क्लोरो ट्राई लिखेंगे। इसका ग्रुप पॉली होगा लेकिन नाम तो ट्राई लिखेंगे ना, तीन को रहेगा तो ट्राई क्लोरो प्रोपेन, बस हो गया इसका नाम। नाम इसका नाम देखिए, इसमें देखिए, इसका ऐसे वन 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 लिखेंगे, लेकिन वन तभी लिखेंगे जब दूसरा कार्बन, लेकिन यहां पर तो इसका कोई है ही नहीं, तो सोझे लिख दो ट्राई क्लोरो मिथेन, ट्राइक्लोरो मिथेन। इसका नामकरण कीजिए, इसमें भी आप वन नहीं लिख सकते क्योंकि वन तभी लिखेंगे जब दूसरा हो, समझे? तो चलिए इसका नाम चार है ना, टेट्रा टेट्रा क्लोरो मिथेन, चार क्लोरीन है और एक कार्बन है, तो चार क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोरो, एक कार्बन है तो एक कार्बन का लिखें मिथेन। चलिए इसका नामकरण कीजिए, ये थोड़ा सा टेर है, अरे कुछ टेर नहीं है, सबसे पावरफुल कौन है? क्लोरीन। तो चलिए इसको अच्छा छोड़ दीजिए ना, नवरिंग कर लीजिए खाली इधर से, एक दो तीन चार, और उसके बाद क्या करना है, इसको छोड़ दीजिए, ये सबको पहले छाटिए, तो दो आयोडो तीन ब्रोमो, चार क्लोरो, चार पर है ना एक कार्बन, चार क्लोरो, हो गया, छटनी कर दिए सबको।
अब किसके अनुसार नामकरण करना है? फ्लोरीन के अनुसार। तो लिखेंगे वन फ्लोरो, लॉन्ग चेन में चार कार्बन है, ब्यूटेन, बस हो गया। तो चलिए आज ये हम समझे आज का वीडियो, इसके बाद हम एंड कर रहे हैं। फिर कल मैं बताऊंगा एक और क्लासिफिकेशन, उसका आधार। आज वीडियो लंबा हो जाएगा, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ बताएंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, पॉलीहेलोएल्केन। आज के लिए बस इतना ही। मेरा वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और थोड़ा शेयर कर दें ताकि दूसरे बच्चों को भी लाभ हो जाए और मेरा भी कुछ सब्सक्राइबर बड़ा हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और आपको भी फायदा, मुझे भी फायदा होगा। तो चलिए रखने, अब इसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे।